दोस्तों, हम अक्सर दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि यही विश्वास जब एक अंधविश्वास में बदल जाता है तो इसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। और हमारा आज का केस भी एक ऐसे ही इंसिडेंट से जुड़ा है जहां एक ऐसे ही विश्वास ने किसी की जान ले ली। तो आज हम बात करेंगे कुशाग्र कनोडिया की। अक्टूबर 2023, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मनीष कनोडिया अपने परिवार के साथ कानपुर में रहते थे, जिनका साड़ियों का अच्छा खासा बिजनेस था जो पूरे यूपी में फैला था। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ, दो बेटे और उनकी एक बेटी थी। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 30 अक्टूबर सोमवार के दिन उनका 16 साल का बेटा कुशाग्र, जो अभी स्कूल में था और साथ में नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग भी लिया करता था, वो रोज की ही तरह स्कूल से आने के कुछ टाइम बाद अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकला। कुशाग्र यहाँ डेली 7 बजे से पहले ही अपने घर आ जाया करता था, लेकिन सोमवार के दिन वो अपने घर नहीं लौटा। ये देखकर उसकी मदर को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने कुशाग्र के नंबर पर कई बार कॉल भी किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने उसके कोचिंग सेंटर और उसके दोस्तों के पास भी फोन किया, पर सभी ने यही बताया कि कुशाग्र कोचिंग सेंटर आया था और क्लास खत्म होने पर वो चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो इस समय कहां है। इससे कुशाग्र की मदर काफी परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने मनीष को फोन लगाया, जो इस वक्त अपने काम पर थे। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई, पर मनीष ने उन्हें समझाया कि वो टेंशन ना ले, उनका बेटा शायद कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा, वो आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, पर कुशाग्र घर नहीं लौटता। उसकी मदर और उसके भाई बहन उसे लगातार कॉल कर रहे थे, पर कुशाग्र का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। पर तभी 8:10 पर उनके घर में एक कागज का टुकड़ा आकर गिरता है। जब फैमिली ने उस कागज को खोला तो उसमें 2 पेजेस थे, जिन पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर वे सभी शॉक हो गए। उन्होंने मनीष को फोन करके जल्दी से घर आने के लिए कहा। जब मनीष अपने घर आए तो कुशाग्र की मदर ने घबराते हुए उन्हें वो पेजेस दिए जिसमें पहले पेज पर लिखा था, मैं नहीं चाहता आपका त्यौहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो, आपका बेटा आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, अल्लाहू अकबर। इस लड़के की मोबाइल और गाड़ी दोनों आपके घर के पास वाले होटल सिटी क्लब के सामने खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। और दूसरे पेज पर लिखा था, पैसे का इंतजाम होते ही घर पर पूजा वाले झंडे लगा देना, मुझे पता चल जाएगा। और आपसे निवेदन है कि कुशाग्र की किडनैपिंग की बात आप ना तो पुलिस को बताएंगे और ना ही अपने किसी रिश्तेदार या फिर पड़ोसी को, क्योंकि अगर ये बात कहीं फैली तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो जल्दी से 3 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और पैसे लेकर रात 2 बजे कोको कोला चौराहे पर मिलो, मैं पैसे लेने आऊंगा। और पैसे मिलते ही आपका बेटा 1 घंटे के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। इन पेजेस को पढ़कर यह साफ हो गया था कि कुशाग्र घर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका तो किडनैप हो चुका था। और किडनैपर की धमकी से उनकी फैमिली यहां बहुत डर गई थी, वे ना तो किसी को कुछ बता सकते थे और उन्हें 30 लाख रुपए का इंतजाम भी करना था। वैसे पैसा उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी उन्हें यह डाउट था कि अगर पैसे देने के बाद भी उनका बेटा घर नहीं पहुंचा तो फिर वे क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें पैसे लेने पर भी बच्चों को मार दिया जाता है। इसलिए फैमिली के सभी मेंबर्स ने बड़ा सोच समझकर यह डिसीजन लिया कि वे पुलिस को सब कुछ बता देंगे। उनका मानना था कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है तो क्या पता पुलिस उनके बच्चे को ढूंढ ले। यहां ठीक 8:10 पर वो कागज घर के अंदर गिरा था और 8:30 पर घर वालों ने पुलिस को खबर कर दी। यहां लोकल पुलिस टीम कुछ टाइम में ही पहुंच गई थी, पर 1 घंटे के बाद 9:30 तक लखनऊ के सभी टॉप पुलिस ऑफिसर्स मनीष के घर पर पहुंच गए थे। बाद में पुलिस ने उन पेजेस को देखा और फैमिली से थोड़ी पूछताछ करने के बाद वे कुशाग्र को ढूंढने निकल पड़े। सबसे पहले पुलिस ने घर से लेकर कोचिंग सेंटर तक के रास्ते को चेक किया और वहां लगे सभी CCTV कैमरास को देखना शुरू किया। यहां जब पुलिस की टीम कोचिंग सेंटर पहुंची तो वहां भी उन्हें एक CCTV कैमरा दिखाई दिया, जिसकी फुटेजेस में वे कुशाग्र को कोचिंग सेंटर आते हुए साफ देख सकते थे, जहां वो करीब 4:15 पर अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकला। यहां कुशाग्र अपनी स्कूटी से आया जाया करता था, तो उसने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया और वहां से जाने लगा। पर तभी कुछ दूर जाने पर एक लड़का उससे लिफ्ट मांगता है और वो हेलमेट पहनकर उसके पीछे बैठ जाता है। यहां पुलिस के पास घर से लेकर कोचिंग सेंटर तक के रूट की सभी CCTV फुटेजेस मौजूद थे, जिनमें उन्होंने देखा कि कुशाग्र अपने घर की तरफ ना आकर के
एक दूसरे रास्ते की ओर चला गया और एक जगह आकर अपनी स्कूटी को रोका। पुलिस ने जब उस जगह की फुटेज को देखा तो उन्हें कुशाग्र दिखाई दिया, जो उस लड़के के पीछे जा रहा था जिसको उसने लिफ्ट दी थी, और 4:33 पर वो उस लड़के के साथ एक घर के अंदर चला गया। कुछ टाइम तक घर से बाहर कोई नहीं आया, लेकिन काफी देर बाद 5:12 पर उस घर का दरवाजा खुलता है और वहां से वही लिफ्ट वाला लड़का बाहर आता है, घर के दरवाजे को लॉक करके वहां से निकल जाता है। पर कुशाग्र अब भी अंदर ही था। कुछ घंटे बाद एक कैमरे की फुटेज से पता चलता है कि जो कुशाग्र की स्कूटी थी उसे एक हेलमेट पहना हुआ शख्स 6:50 पर होटल सिटी क्लब के बाहर छोड़ गया था, जो कि कुशाग्र के घर के पास में ही था। और अब सारी फुटेजेस देखने के बाद पुलिस जल्दी से उस घर में पहुंची जिसमें कुशाग्र ने एंटर किया था। पुलिस की टीम ने उस दरवाजे को तोड़कर जैसे ही घर में एंटर किया तो अंदर का सीन देखकर वे सभी शॉक हो गए, क्योंकि अंदर फर्श पर कुशाग्र की डेड बॉडी थी, जिसके हाथ और पैरों को बांधा हुआ था और उसके गले में एक रस्सी थी जिसने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। पुलिस उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहां उस घर के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें घर के ऑनर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम प्रभात शुक्ला था। यहां पुलिस जब उसके बारे में कुशाग्र की फैमिली को बताती है तो वे प्रभात को पहचान लेते हैं। वे बताते हैं कि कुशाग्र की पहले एक ट्यूशन टीचर थी जिसका नाम रचिता है, प्रभात दरअसल उसी का दोस्त है। ये पता चलते ही रात के करीब 11 पुलिस की एक टीम रचिता के घर पहुंचती है और एक टीम प्रभात शुक्ला के, और दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उन दोनों से पूछताछ करने पर पुलिस को एक शिवा नाम के लड़के के बारे में भी पता चला, और ये वही लड़का था जिसने कुशाग्र से लिफ्ट ली थी और उसे उस घर में लेकर गया था। बाद में पुलिस उसे भी पकड़कर स्टेशन लाई और किडनैपिंग या कहे इस मर्डर के 7 बाद पुलिस को इस केस के पीछे की सारी सच्चाई पता चल गई थी। 13 अक्टूबर 2023, इस दिन कुशाग्र अपना 16वां जन्मदिन बना रहा था और वो काफी खुश था। उसकी इस बर्थडे पार्टी में रचिता और प्रभात भी मौजूद थे और उनकी किडनैपिंग की प्लानिंग यहीं से शुरू हुई थी। यहां रचिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, पर 7 पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ कानपुर आ गई। उनकी फैमिली काफी गरीब थी और उसके दोनों पेरेंट्स घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। रचिता भी पढ़ी लिखी थी और ग्रेजुएट थी, तो उसने भी अपने परिवार की हेल्प करने के लिए बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। पर आगे कुछ टाइम बाद उसके फादर बीमार हो गए, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। रचिता अपनी मदर के साथ एक किराए के घर में रहती थी और यह घर प्रभात शुक्ला का था, और एक ही घर में रहते रहते प्रभात और रचिता एक रिलेशन में आ गए और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। पर कुछ साल बाद रचिता की मदर की भी डेथ हो गई और अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके ऐसे टाइम में प्रभात ने उसे सहारा दिया और अब वे दोनों एक साथ रह रहे थे और शादी करना चाहते थे। यहां प्रभात भी पढ़ा लिखा था और उसने BSc किया था, पर कोई अच्छी नौकरी ना मिलने पर वो ऐसे ही छोटे मोटे काम किया करता था, और वो सोचता था कि अगर उसे रचिता से शादी करनी है तो उसके लिए एक अच्छा घर गाड़ी होनी चाहिए, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए जिससे वे दोनों खुश रह सके। पर उन दोनों के ही पास इतने पैसे नहीं थे, वे दोनों जितना भी कमाते थे उनसे उनका खर्च ही नहीं पूरा हो पाता था। इस दौरान रचिता कुशाग्र के घर ट्यूशन पढ़ाया करती थी और ट्यूशन देते देते वो कुशाग्र की फैमिली के काफी करीब आ गई और वे भी उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करते थे। और जब उन्हें पता चला कि रचिता का इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगे। और एक बार तो कुशाग्र की माँ ने उससे ये तक कहा था कि तुम हमारी बेटी की तरह हो और अगर कभी भी तुम्हारी शादी होगी तो चिंता मत करना, कुशाग्र के पापा तुम्हारा कन्यादान करेंगे और तुम्हारी शादी में जो भी पैसा खर्च होगा वो हम देंगे। ये सब कुशाग्र की माँ ने रचिता से बहुत पहले कहा था, क्योंकि 2021 के बाद जब कुशाग्र कोचिंग जाने लगा तो उसने रचिता से ट्यूशन लेना बंद कर दिया। पर फिर भी रचिता का उनके घर में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। और यहां जब 13 अक्टूबर को कुशाग्र का बर्थडे था तो उसके घर वालों ने रचिता को भी बुलाया, जहां रचिता प्रभात के साथ पहुंची। लेकिन जब वहां पहुंचकर उन्होंने उस बर्थडे पार्टी को देखा जिस पर कुशाग्र के पेरेंट्स ने काफी खर्चा किया था, तो प्रभात को एक आइडिया आया कि कुशाग्र जो घर का इतना लाडला है, अगर हम उसे किडनैप कर ले तो बदले में 30 लाख रुपए मांग सकते हैं, जो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस पर रचिता ने भी अग्री किया और उसी दिन उन्होंने कुशाग्र को किडनैप करने का प्लान बनाया। पर किडनैपिंग से अलग यहां प्रभात के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। दरअसल उसे ये शक था कि रचिता से ट्यूशन पढ़ने के दौरान कुशाग्र उसके करीब आ गया था, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उस टाइम कुशाग्र 13-14 साल का रहा होगा।
पर प्रभात को इस बात पर पूरा शक था और इसलिए वो कुशाग्र से बहुत नफरत करता था। पर रचिता को सिर्फ इतना ही पता था कि वे किडनैप करेंगे और फिर पैसे लेकर उसे छोड़ देंगे, पर उल्टा प्रभात पैसों के साथ बदला भी चाहता था। आगे इस किडनैपिंग में शिवा को भी शामिल किया गया, जो प्रभात का दोस्त था और कुशाग्र के घर के पास ही रहता था। उसने काफी दिनों तक कुशाग्र की सभी डेली रूटीन को फॉलो किया कि वो कहां जाता है, कब घर आता है, उसकी सारी टाइमिंग्स शिवा ने नोट की। और पूरी प्लानिंग करने के बाद 30 अक्टूबर को जब कुशाग्र अपने कोचिंग सेंटर से क्लास लेकर बाहर निकला तो उससे कुछ ही दूरी पर शिवा वहां खड़ा हो गया। और जैसे ही कुशाग्र अपनी स्कूटी लेकर वहां आया तो उसने शिवा को पहचान लिया, क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहता था। और जब उसने उससे लिफ्ट मांगी तो कुशाग्र ने उसे अपने पीछे बैठा लिया, लेकिन रास्ते में ही शिवा ने उससे कहा कि मुझे एक जगह थोड़ा काम है, क्या तुम पहले वहां चलोगे? तो इस पर कुशाग्र, जो बिल्कुल बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसने भी अपनी स्कूटी उसकी बताई हुई जगह पर मोड़ दी। बाद में शिवा उसे उस घर में ले गया, जहां एंटर करते ही उसने कुशाग्र के गले में रस्सी डाली और उसका गाला घोंटकर उसे मार दिया। बाद में उसने उसके हाथ पैरों को बांधा और कुछ देर वहीं रुका रहा, और 5:12 पर वो वहां से निकल गया। बाद में प्रभात ने शिवा को मैसेज किया कि अगर काम हो गया हो तो वो उस फिरौती के कागज को घर में फेंक दे। और बाद में अंधेरा होने पर शिवा ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने यहां कागज में अल्लाह अकबर जैसे शब्दों का यूज करके फैमिली का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की थी, पर वे ऐसा करने में नाकाम रहे। प्रभात और रचिता ने किडनैपिंग से मिलने वाले 30 लाख रुपयों का क्या कुछ करना है, उसकी भी प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी, क्योंकि किडनैपिंग से पिछले हफ्ते वे दोनों ही कानपुर के एक कार शोरूम में गए थे और उन्होंने वहां एक गाड़ी भी बुक कर ली और वहां पर कहा कि हम अगले हफ्ते आकर इसकी पेमेंट देंगे। और कार खरीदने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन्होंने उनकी कॉपीज भी शोरूम में दे दी कि आप इतने पेपर वर्क करिए, हम अगले हफ्ते आकर कार ले जाएंगे। इसके बाद उनका शादी करके हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान भी था, जहां की रचिता रहने वाली थी। पर कुशाग्र के मर्डर के 7 घंटे बाद ही उन्हें पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने कुशाग्र की फैमिली को यह बताया कि उनके बेटे के मर्डर के पीछे रचिता का हाथ है, तो एक टाइम पर तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। यहां तक कि कुशाग्र की मदर, जो अपने बेटे की मौत की खबर से पहले ही टूट गई थी, वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा वो पुलिस से कह रही थी कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, रचिता ऐसा नहीं कर सकती, वो उनकी बेटी जैसी है। आगे जब पुलिस ने कुशाग्र की मदर को रचिता के खिलाफ सारे प्रूफ दिखाए तो आखिर में उन्हें ये मानना ही पड़ा कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी बेटी समझा उसी ने ही उनसे उनका बेटा छीन लिया था। यहां उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने रचिता पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जिसका नतीजा आगे काफी खौफनाक निकला। तो दोस्तों, आज का केस हम यही खत्म करते हैं। अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।